क्या सचमुच एक ऐसी घाटी आज भी इस धरती पर मौजूद है जहां समय रुक सा जाता है? कोई इंसान अगर पहुंच गया तो उसकी आयु 1000 वर्षों तक हो सकती है। क्या सचमुच 1962 में चीन ने भारत पर इसी घाटी के लिए हमला किया था? क्या सप्त चिरंजीवी इसी घाटी पर रहते हैं और यही कल की अवतार का जन्म होगा? वैसे ये दुनिया अजब गजब रहस्यों से भरी पड़ी है। इजिप्ट का पिरामिड हो, बरमुंडा ट्रायंगल हो या कैलाश पर्वत, हर कोई अपने अंदर ढेर सारे रहस्य संजोए बैठा है। उनमें से ही एक है धरती की स्वर्ग कही जाने वाली एक ऐसी घाटी जहां समय रुक जाता है, जिसे धरती का चौथा आयाम भी कहा जाता है। ये है शंग्रीला घाटी, जिसे शंभाला भी कहा जाता है। इस घाटी के बारे में कहते हैं कि कोई भी इंसान यहां आसानी से नहीं पहुंच सकता। इसके लिए 7 चक्रों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। कल की 2898 AD में भी शंभाला के बारे में बताया गया है। वहीं मार्वल स्टूडियोज की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी शंग्रीला घाटी का वर्णन किया गया है। और तो और 2004 में आई द मम्मी मूवी में भी इस घाटी को दिखाया गया है। इसे कई लोग लॉस्ट प्लेस ऑफ गॉड कहकर बुलाते हैं। तो इस शंभाला में आखिर है क्या, क्यों इसे हम इंसानों से छुपाया गया है? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। बात है 1962 की, जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर युद्ध का बिगुल बजा दिया था। लेकिन इसके पीछे के वास्तविक कारण से आज तक हर कोई अनजान है। बहुत से लोगों को लगता है और हम सबको यही पढ़ाया गया है कि चीन संपूर्ण तिब्बत पर अधिकार करना चाहता था, और उसी के चलते उसने सन 1962 में अरुणाचल प्रदेश से त्वांग मठ के नजदीक हमला किया, ताकि वहां के इलाकों पर कब्जा कर उस रहस्य को खोज निकाल सके, जिसे हम शंग्रीला घाटी के नाम से जानते हैं। अब ये दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि उस समय चीन के चेयरमैन रह चुके माओ ज़ेडोंग ने किया था, वो भी अपनी किताब Quotations from Chairman Mao Zedong के जरिए। ये किताब उन्होंने 1962 युद्ध के ठीक 2 साल बाद पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने हिब्रू ग्रंथों और भारतीय ग्रंथों का रेफरेंस देते हुए लॉस्ट प्लेस ऑफ गॉड यानी शंग्रीला घाटी के बारे में लिखा है, जिससे साफ होता है कि चीन के भारत पर आक्रमण का वास्तविक कारण शंग्रीला घाटी था। वैसे भी चीन कुछ न कुछ दुनिया से हमेशा छुपाता हुआ आया है, चाहे वो कागज का आविष्कार हो जिसे लगभग 200 सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा, या फिर दुनिया का फर्स्ट मार्शल आर्ट हो जिसे वो कुंफू का नाम देते हैं, बल्कि जो स्वयं भारत से निकला है, जिसे हम कलरी पट्टू के नाम से जानते हैं। और अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शंग्रीला घाटी या शंभाला घाटी सिर्फ मात्र एक कहानी है, ये कोई सच नहीं हो सकता। तो चलिए अब मैं आपको असली सचों से रूबरू करवाता हूँ और जानते हैं कि आखिर शंग्रीला घाटी या शंभाला है क्या। शंग्रीला घाटी त्वांग मठ के निकट वो घाटी है जिसे चौथे आयाम की संधि स्थली कहते हैं, यानी जहां समय थम सा जाता है। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान के अनुसार यहां भारत के 64 तंत्र, योग, भारत की प्राचीन विद्याएं सिखाई जाती हैं। तिब्बती भाषा में लिखी ये किताब त्वांग मठ के पुस्तकालय में आज भी मौजूद है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज, देश, काल नियति से बंधी हुई है, लेकिन इस घाटी में काल यानी कि समय का कोई असर ही नहीं है। वहां प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं तिब्बत बौद्धिस्ट का मानना है कि जब दुनिया में आखिरी विश्व युद्ध होगा तो शंभाला का 25वां शासक इस धरती को बचाने आएगा। कहा जाता है कि यहाँ जमीन नहीं है, सिर्फ स्वर्ग जैसा माहौल है, यानी कि एक ऐसा दरवाजा जो अदृश्य है, और ये जगह किसी खास धर्म या संस्कृति की नहीं है। जो काबिल होता है वो इसे ढूंढ सकता है, और ढूंढने के बाद जैसे ही इसमें प्रवेश करता है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। इस घाटी में सैकड़ों, लाखों, हजारों की संख्या में उच्च कोटि के योगी, साधक और सिद्ध तपस्वी रहते हैं। वहां हमारे इस 3 आयामों वाले संसार की तरह समय की गति तेज नहीं है, बल्कि समय बेहद ही स्लो है। वहां पहुंच जाने वाला व्यक्ति हजारों सालों तक वैसा का वैसा ही बना रहता है, एकदम जवान, स्वस्थ और बलशाली।
बहुत से विद्वानों का तो ये भी मानना है कि शंग्रीला घाटी में कोई और नहीं बल्कि नागा साधु भी रहते हैं। जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है तो सैकड़ों की तादाद में आपको नागा साधु दिख जाएंगे, लेकिन जैसे ही कुंभ मेला खत्म होता है वो सभी नागा साधु अचानक ही धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। वो कहीं और नहीं बल्कि हिमालय में ही स्थित इस शंग्रीला घाटी में जाकर निवास करते हैं। इसके अलावा तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों के जरिए इस शंग्रीला घाटी के बारे में वर्णन किया हुआ है। 1942 में एक अंग्रेज अफसर एलपी फेरल को इस जगह कुछ खास अनुभव हुए। इसी के चलते उन्होंने कई साल इस पर शोध भी किया और उसके बाद उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख प्रकाशित भी करवाया। वहीं जाने माने तंत्र साहित्य के लेखक और विद्वान अरुण कुमार शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वो रहस्यमय घाटी में इस जगह का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में लिखते हुए कहा कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो भूहीनता और वायु शून्यता वाली हैं। ये जगहें वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती हैं और शंग्रीला घाटी उनमें से एक है। उसे ईश्वर का घर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। शंग्रीला घाटी का जिक्र ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने भी अपनी किताब लॉस्ट होराइज़न अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शंग्रीला में भी किया है। वहीं दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे वेदों पुराणों महाभारत और रामायण में भी इस शंग्रीला घाटी का वर्णन किया गया है, जिसे सिद्ध आश्रम के तौर पर संबोधित किया गया है। कहते हैं इसी सिद्ध आश्रम में सप्त चिरंजीवी भी निवास करते हैं और यहीं भगवान कल्कि अपना जन्म लेंगे और उसके बाद उनकी शिक्षा और दीक्षा का कार्य स्वयं भगवान परशुराम ही करेंगे और यहीं उन्हें उनकी असीम शक्तियों से परिचय करवाया जाएगा ताकि वह इस कलयुग के अत्याचारियों को मिटा सके। हो न हो, शंग्रीला घाटी का रहस्य आज भी हमारे इतिहास को हमारे सामने रखता है, जब भगवान और मनुष्य धरती पर एक साथ निवास करते थे। आज भी बहुत से ऐसे रहस्यमय ज्ञानी विद्वान व्यक्ति मौजूद हैं जो इस घाटी तक कभी ना कभी पहुंचे जरूर होंगे। जरा सोचिए, आप अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत सीमा के पास मौजूद हो और तभी आपके सामने एक अदृश्य द्वार खुल जाए, तो क्या आप उस द्वार में प्रवेश करेंगे? एक ऐसा द्वार जहां आप प्रवेश करेंगे, एक अलग ही आयाम, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां सिर्फ जाने का रास्ता होगा, वापस आने का नहीं। तो क्या अब भी आप उस दरवाजे के अंदर कदम रखेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। और आप शंग्रीला घाटी के बारे में या शंभाला के बारे में क्या सोचते हैं, वो भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा था और अभी भी कहते हैं, हम आपको अब मिथ्स नहीं फैक्ट दिखाएंगे और हर रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।